संस्कृताय नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी संस्कृत प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, छोटी सी सूचना देने के लिए यह 4 से 5 मिनट की वीडियो बनाई जा रही है। सूचना को ध्यान पूर्वक सुनिएगा। मित्रों, संपूर्ण भारतवर्ष के अंदर हम स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। यह हमारा जो वर्ष है वो अमृत महोत्सव वर्ष के रूप में हम मना रहे हैं। और मित्रों, इसी पावन अमृत महोत्सव के पर्व पर हम भी संस्कृत माता की सेवा के लिए संकल्प लेकर के कार्य कर रहे हैं। मित्रों, इसी पर्व के उपलक्ष में देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल पर स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से एक हम जीरो लेवल से बिल्कुल संस्कृत के ABCD से लेकर के सामान्य संस्कृत का संभाषण तथा लेखन तथा गीता आदि पुस्तकों को पढ़कर के समझने की संस्कृत को सिखाने के लिए नई कक्षा का प्रारंभ करने जा रहे हैं। ध्यान रखें, जो भी हमारे पाठक धैर्य रख सकते हैं, श्रद्धा रख सकते हैं, निष्ठा रख सकते हैं संस्कृत भाषा के प्रति, वही पाठक इस कक्षा में भाग ले। यह कक्षा पूर्णतः निःशुल्क होगी, कोई आपसे शुल्क नहीं लिया जाएगा। और इस कक्षा में 12 वर्ष से लेकर के 100 वर्ष की आयु के कोई भी स्त्री पुरुष बालक बालिका भाग ले सकेंगे। और मित्रों, इसके लिए हम आपसे दक्षिणा लेंगे, फीस नहीं लेंगे, शुल्क नहीं लेंगे, दक्षिणा लेंगे। और हमारी दक्षिणा पैसे की दक्षिणा नहीं होगी, पैसे नहीं लेंगे आपसे। हमारी दक्षिणा ये होगी कि कोई भी पाठक इस कक्षा को पढ़ने के लिए अपना नामांकन कराते हैं, उनको कम से कम 50 लोगों को जोड़ना होगा। कम से कम 50 लोगों को जोड़ करके संस्कृत भाषा को इस कक्षा को पढ़ने के लिए तैयार करना होगा। ये इसमें मुख्य शर्त है। इसके लिए आप क्या करेंगे, आप अपना एक व्हाट्सएप समूह तैयार करेंगे। ध्यान रखिएगा, आपको 50 लोग तैयार करने हैं पढ़ाने के लिए, आपको अपना ये व्हाट्सएप समूह तैयार करना है। और उस व्हाट्सएप समूह में देववाणी संस्कृतम के इस व्हाट्सएप नंबर को एडमिन के रूप में आपको जोड़ देना है। और ध्यान रखेंगे, आप और इस नंबर के अलावा कोई तीसरा एडमिन नहीं होना चाहिए। समूह के अंदर कोई भी गलत सूचना, गलत संदेश नहीं जाना चाहिए। जिस समय आपके समूह में गलत संदेश गया, आपको समूह से अलग कर दिया जाएगा, ये हम अलग हट जाएंगे। ध्यान रखेंगे, बहुत सावधानी पूर्वक हमको काम करना होता है। हम संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, परंतु सावधानी हमको रखनी है। तो जो भी नामांकन कराना चाहते हैं, अपना समूह बनाइएगा और देववाणी संस्कृतम इस व्हाट्सएप नंबर को एडमिन के रूप में जोड़ दीजिएगा। आपका नामांकन तैयार, हमें बताने की जरूरत नहीं है, आपका नामांकन तैयार।
मित्रों, इस जीरो लेवल से संस्कृत सिखाने के लिए हमने एक पुस्तक को आधार बनाया है, कोर्स में पाठ्यक्रम में रखा है, प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी। ये पुस्तक है, बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है और बहुत ही प्रसिद्ध संस्कृत के प्रकांड विद्वान ने लिखी हुई है। डॉक्टर कपिल देव महाराज जी को संस्कृत जगत में सब कोई जानते हैं, हर कोई जानता है। इस पुस्तक में शून्य स्तर से, जीरो लेवल से संस्कृत भाषा को कैसे शुद्ध लिखना तथा पढ़ना, संभाषण करना, पुस्तकों को पढ़कर के समझना, ये सारी विधि बताई गई है। इस पुस्तक को आप सभी गूगल में सर्च करके इसकी पीडीएफ को डाउनलोड करके देख सकते हैं कि इसके अंदर क्या सामग्री, ये आप स्वतंत्र हैं। और देखिएगा, इस पुस्तक की विशेषता ये है कि प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी नवीनतम वैज्ञानिक पद्धति से लिखी गई संस्कृत व्याकरण एवं और अनुवाद की पुस्तक संस्कृत के प्रारंभिक छात्रों के लिए। ये डॉक्टर कपिल देव महाराज जी का वाक्य है, बस। अधिक जानकारी आप पुस्तक के अंदर देख लीजिएगा और इस पुस्तक के अंदर ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार के 30 अभ्यास दिए गए, 30 लेसन्स दिए गए हैं। 30 अभ्यासों के अंदर आपको पहले पढ़ाया जाता है, फिर होमवर्क दिया जाता है, ध्यान देंगे, ये होमवर्क दिया जाता है, फिर होमवर्क को हम आपका चेक करवाएंगे बाकायदा स्मार्ट बोर्ड पर ही, और आपको कोई शंका होगी, कोई प्रश्न होगी तो उसका आपको उत्तर मिलेगा। ये व्यवस्था हमने बना रखी है कि किसी भी पाठक की कोई शंका, कोई डाउट्स हैं, उनको हम क्लियर करते हैं। तो इस पुस्तक को पढ़ाया जाना है और आप सभी देखिएगा, ये अंतिम अभ्यास, वो पहला अभ्यास था, ये अंतिम अभ्यास है, 30 अभ्यास, तो 30 अभ्यास इस पुस्तक में हमको पढ़ने हैं। और इस पुस्तक को कैसे पढ़ना है, इसकी विशेषता इस कक्षा की ये होगी कि मैं अपने समय पर पढ़ाऊंगा, मैं अपने समय पर आपको पढ़ाऊंगा, परंतु आपको समय में नहीं बंधना है, आपको जब अनुकूलता हो तब आप इस कक्षा को पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, मैं समय में बंधा हुआ हूं परंतु आप समय में नहीं बंधे हैं इस कक्षा के लिए। इस कक्षा को आप यदि जिस दिन पढ़ाई जाती है उस दिन नहीं पढ़ पाते हैं तो आगे कभी भी किसी भी दिन आप अपनी सुविधा के अनुसार जहां चाहें वैसे पढ़ेंगे। ये YouTube पर व्यवस्था है, आप सभी जानते हैं। तो मित्रों, ये छोटी सी सूचना आपके लिए मैंने बना दी है, ध्यान रखेंगे। और आप अपना नामांकन कराना चाहते हैं, 1,00,000 लोगों तक हमें इस कक्षा के माध्यम से पहुंचना है। जब 1,00,000 लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे इस कक्षा में, कक्षा का प्रारंभ हो जाएगा। जल्दी मत कीजिएगा, जल्दी जिनको है उनके लिए पहले से ही ये पुस्तक पढ़ा दी गई है, परंतु हम इसका पुनः कोर्स बना रहे हैं और अच्छी क्वालिटी के साथ में बनाना चाह रहे हैं। पहले ये पुस्तक 2 बार इसी YouTube चैनल पर पढ़ा दी गई है, जिनको जल्दी है वो पहले पढ़ सकते हैं, और इस कक्षा में भाग लेकर के पढ़ना है जिनको, उनको ये नियम ध्यान रखने होंगे। प्रत्येक व्यक्ति जो नामांकन कराना चाहते हैं उनके लिए 50 लोगों का एक ग्रुप अनिवार्य है, आपको तभी नामांकन माना जाएगा आप 50 लोगों को जोड़ेंगे। मैं अपने सामर्थ्य से लोगों को जोड़ूंगा, परंतु जो पढ़ने वाले हैं उनसे हम दक्षिणा के रूप में 50 लोगों को ले रहे हैं संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए। 50 लोग आराम से आप जोड़ सकते हैं, अपने परिवार के लोगों को, गांव के लोगों को, सगे संबंधी लोगों को, कहीं से भी जोड़ सकते हैं आप, आराम से जोड़ सकते हैं। चलिएगा मित्रों, ये व्हाट्सएप नंबर ध्यान रखिएगा। हमारा जो लक्ष्य है, हम किस लक्ष्य के लिए ये कार्य कर रहे हैं, 1 करोड़ लोगों तक निःशुल्क ऑनलाइन संस्कृत शिक्षण कराने के लिए। हमारा इसमें अपना कोई स्वार्थ नहीं है, हम निस्वार्थ भाव से संस्कृत भाषा का सेवा कर रहे हैं मित्रों। और आप चैनल से जुड़ जाइएगा, सबसे बड़ा चैनल है संस्कृत भाषा का ये, इसके अदर प्लेटफॉर्म से इनसे जुड़ जाइएगा आप। ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, कू ऐप है, टेलीग्राम है, फेसबुक है, कुटुंब ऐप है, लिंक्डइन है,
सब जगह जुड़ जाएगी। ये छोटी सी सूचना आपके लिए दी है मैंने, और आपसे निवेदन करता हूं कि आप इस सूचना को अपने अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने, शेयर करके पहुंचाइएगा, जिससे संस्कृत भाषा का हम प्रचार प्रसार कर सकें। आप सभी पवित्र आत्माओं को प्रणाम करता हूं, परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि आप इस कक्षा के माध्यम से अच्छी शुद्ध संस्कृत को लिखना तथा संभाषण करना तथा पढ़ करके समझना सीखेंगे, ऐसा मेरा पूरा आपके प्रति संकल्प है, आपको मैं ऐसा विश्वास दिलाता हूं। सर्वेभ्यो नमः।